नमस्कार, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सोच रहे होंगे चारों तरफ नवरात्रि की धूम मची हुई है, लोग डांडिया कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं। मैं अनु रावल आप लोगों को सिखाने वाली हूँ इजी स्टेप्स के साथ कैसे डांडिया किया जाता है, कैसे गरबा किया जाता है। तो आइए आज हम सीखेंगे डांडिया गरबा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा गरबा स्टेप्स। बेसिक स्टेप्स क्या होती है गरबे की, मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी दोनों स्टूडेंट्स के साथ में, दिया और अहाना के साथ में। और हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं गरबा में, सब लोग खड़े होते हैं, सब लोग को टेंशन होती है कि क्या करना है क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये पोजिशन बनानी होती है। इस पोजिशन में आपका जो राइट फीट है वो इधर लेके जाना है, राइट लेफ्ट साइड में, देन दिस साइड। दिस इज बेसिक स्टेप। जो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है वो ये होती है, वन टू, वन टू। अब हम इसमें क्लैप को ऐड करते हुए उसके साथ करेंगे, वन टू, वन टू। क्लैप को स्टाइलिश बनाने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से करते हैं, आपका स्टाइल उसमें जाता है। तो जब गरबा होता है वो एक स्टाइल है, क्लैप को करते हुए कैसे स्टाइल करनी है आपको। तो देखिए ये वन टू, वन टू, वन टू, वन टू, ओके। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप को कैसे ऐड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। क्लैप की हम लोग वन टू करते हुए थ्री फोर करेंगे, अप अप। सो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। सो अभी हमने क्लैप को साइड टू साइड किया, अभी मुझे फ्रंट टू बैक करना है। तो कैसे करना है, पहले राइट फीट को फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। अभी करते हुए बॉडी को ऐसे आगे पीछे मूव करना है, आपकी बॉडी थोड़ा सा ऐसा आपको फील होना चाहिए कि आप ऊपर देख रहे हो, हाँ यस। और जब आप बैक में जा रहे हो तो थोड़ा सा डाउन, यस, अच्छे से बैंड होना है, हाँ। अब यहाँ पे हम कैसे क्लैप को यूज करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। वन टू, वन टू, वन टू, वन टू। अब हम इसी स्टेप को फ्रंट लेफ्ट बैक एंड राइट कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। फ्रंट लेफ्ट बैक राइट, फ्रंट लेफ्ट ओके। गरबा में स्पेस का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है कि आप डांस करते हुए स्पेस को इंजॉय कर रहे हो, कि पूरा स्पेस लेकर उसको किस तरीके से इंजॉय किया जाता है। अभी मैं आपको एक स्टेप और बताने जा रही हूँ जो क्लैप करके आपको दूसरी तरफ जाना है। कैसे जाना है मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको बिल्कुल दिस साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड क्लैप किया और ऐसे राउंड लिया, देन राइट साइड, देन अगेन राउंड। राउंड का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। ये जो हाथ है आपके दोनों, इसको सर से ऊपर घुमाते हुए यहाँ लेके आना है। पहले आप एक काम करो, आप इस स्टेप से स्टेप को करने से पहले सामने खड़े होके इसको प्रैक्टिस करो। वन टू थ्री दिस साइड, वन टू, वन टू, ओके। अब इसको हम घूम के कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वन टू, वन टू, वन टू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
अभी हम लोग ये सारी स्टेप्स को म्यूजिक के साथ करेंगे। तो आइए मेरे साथ में गरबा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप 1। नाउ विद योर क्लैप। मैंने आपको बताया था म्यूजिक के साथ कैसे करना है, देखिए। गरबा जो होता है वो तो सर्कल में होता है, तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसको सर्कल में कैसे करना है। मेरे साथ में सारे लोग मिलके करेंगे अब सर्कल में। आइए घूमते हुए क्लैप रोक क्लैप चक्कर। ओके तो ये वाली सारी स्टेप हमने किए और मुझे लगता है आप लोग भी सब घर पे सब ट्राई करने वाले हो और आप सबको ट्राई करना चाहिए। अब हम करने वाले हैं डांडिया। डांडिया सीखने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? डांडिया। तो डांडिया सबसे पहले कैसे पकड़ना है मैं ये आपको बता रही हूँ। ये आपका डांडिया है, इसको पकड़ने के लिए आपको इस तरीके से इसको होल्ड करना है दोनों डांडिया को, और उसको कस के मारा जाता है ताकि उसमें से ये आवाज आए, ये साउंड बहुत आना जरूरी है। 2, मैं आपको 5 बीट्स बताऊंगी, वो आपको पार्टनर के साथ करनी होती है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, बाद में हम पार्टनर के साथ में करेंगे। तो पहले कैसे है, और इसमें भी हमारी जो स्टेप है वो ये सेम होगी। ये जो पैरों को ऐसे करना है, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसको करते हुए अब डांडिया के साथ में हम करेंगे इसको, 1 2 3 4 5। तो 1 हमने हिट किया, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 हिट है एंड लेट टुगेदर। ओके, अब इसी राउंड को हम लोग पार्टनर के साथ करेंगे। तो आइए मेरे दोनों स्टूडेंट्स के साथ में हम कैसे करेंगे पार्टनर के साथ। ये दोनों पार्टनर है, रेडी। 1 2 3 4
स्टार्टर के साथ किया, इसको और सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इसको आप डांडिया को कितना स्मूथली और डांस करते हुए, अपने डांडिया को भी आपको डांस कराना है कि वो भी कैसे डांस कर रहा है और आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही है, बट आपके जो पैरों की मूवमेंट्स है वो यही रहती है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि पार्टनर कैसे एक दूसरे से चेंज करते हैं, जो सामने वाला पार्टनर है वो दूसरी साइड कैसे आता है और दूसरा पार्टनर कैसे दूसरी साइड आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारी 1, 2, 3, 4, 5 ये करते हुए हमें जगह चेंज करनी है। तो मैं मेरी एक स्टूडेंट के साथ में करूँगी, मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ये स्टेप आप अपने घर पे अपने हस्बैंड के साथ कर सकते हो, अपने बेटे के साथ कर सकते हो, अपनी बेटी के साथ कर सकते हो, अपनी सासू माँ के साथ कर सकते हो। और मैं आपको वो बता रही हूँ, अगर आपके घर में डांडिया नहीं है तो घर में से किचन में से कुछ भी उठा के डांडिया शुरू कर दो, बट कर लो। मेरे को लगता है कि फेस्टिवल के सीज़न में जो होता है डांडिया गरबा, वो हमें कर लेना चाहिए। थैंक यू।